नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। आइए दौड़ाते हैं आज की अहम खबर पर। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने एसबीआई बैंक का एटीएम लूटने के बचा लिया है। दरअसल दिंडोशी पुलिस को अचानक हैदराबाद के एसबीआई सेंटर से ये सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक एटीएम सेंटर को कुछ अज्ञात लुटेरे कटर मशीन से काट कर लूटने की कोशिश में जुटे, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस जब उस एटीएम सेंटर पर पहुंची तो वहां पर 3 लुटेरे मौजूद थे, लेकिन दूर से ही पुलिस को देखने के बाद 2 लुटेरे वहां से तत्काल फरार हो गए। लेकिन एटीएम सेंटर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज में इन लुटेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये एटीएम मशीन को कटर के जरिए कट कर उनमें रखी नकदी को लूटने की कोशिश करते हुए देखे गए। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि भले ही ये काम को वो मुंबई में अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस एटीएम में लगी सर्वर लाइन सिस्टम भी है। सबसे अहम बात ये है कि सर्वर लाइन सिस्टम अहमदाबाद में एसबीआई के दफ्तर में था और अलार्म बजना तुरंत शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कटर मशीन सहित दूसरी अन्य उपकरण भी बरामद कर लिया। हालांकि 2 आरोपी अभी फरार है, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 2 जुलाई की रात को एग्जैक्टली एट अबाउट 3:45 AM जो ATM है यहाँ पे मंत्री पार्क पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM, उसके मॉनिटर और उसका जो सेफ का मशीन का बैक साइड है उसमें कुछ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। उसका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कंपनी के हैदराबाद बेस ऑफिस में गया था और हमको अलर्ट किया गया था। हमारी डिटेक्शन की टीम API इनामदार और टीम तुरंत जगह पे पहुंचे थे और उसमें से एक आरोपी को रेड हैंड पकड़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल्स है। जो मंत्री पार्क एरिया है वो भी आउटस्कर्ट्स में है और वहाँ पे आजू बाजू में स्लम एरिया भी है। ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल्स ने पहले उसमें जो ATM का सेफ है उसके पास पहुँचने की कोशिश की, बैक साइड ऑफ द ATM। उन्होंने मॉनिटर का भी कुछ नुकसान किया है और उसमें से उन्होंने पहले फ्रंट साइड मॉनिटर का नुकसान किया है, फिर बाद में सेम टाइम उन्होंने जो अंदर सेफ रहा था उसके बैक साइड से उन्होंने खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और उसमें जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपी की डिटेल्स हमने निकाली है। उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है, 2 भी ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल्स है, पहले का भी उनका चोरी का और इसका ये टाइप के केसेस का रिकॉर्ड है। तो ये जो खास खबर बने रही है।